नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कई न्यूज चैनल सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। देश का जाना माना न्यूज चैनल आज तक ने CSDS लोक नीति ओपिनियन पोल के साथ मिलकर एक ओपिनियन पोल लेकर आया है, जिसमें एक बार फिर बिहार में NDA की सरकार बनने की बात सामने आई है। लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही हैं, यानी NDA गठबंधन राजद के महागठबंधन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लोग महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के तुलना में नीतीश कुमार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। CSDS लोक नीति के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में NDA को 133 से 143 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले चिराग पासवान के लोजपा को महज 2 से 6 सीटों पर ही सिमट जाने का अनुमान है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह सर्वे किया गया है। 37 विधानसभा सीटों के कुल 148 बूथों पर लोगों की राय ली गई और इस सर्वे में 3731 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई। यह सर्वे 10 से 17 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे के दौरान जब लोगों के मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद पूछी गई तो 31% लोग नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार तेजस्वी यादव को सिर्फ 27% लोग ही पसंद करते हैं। वहीं चिराग पासवान को 5% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सिर्फ 4% और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को 3% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे के अनुसार 38% लोगों ने NDA के पक्ष में अपनी राय रखी है, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 32% लोगों ने अपनी राय रखी है। वहीं 6% लोगों की चाहत है कि अब की बार बिहार में लोजपा की सरकार बने। आपको बता दें कि इससे पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर्स ने भी एक ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें एक बार फिर NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के अनुसार बिहार में NDA को 160 सीटें मिलने की बात कही गई है, वहीं राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 76 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। अन्य 7 सीटों में से 5 सीटें लोजपा को मिलने का अनुमान दिखाया गया है। तो अब तक जारी ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि अब आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज।